जमशेदपुर में 74वें वन महोत्सव के तहत घाटशिला विधानसभा के सुदूर बुरुडी डैम क्षेत्र में वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र के विधायक रामदास सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मौके पर जिले की डीएफओ ममता प्रियदर्शी समेत क्षेत्र की जिला पार्षद समेत कई अतिथि, बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं स्कूली छात्र मौजूद रहे। सभी ने इस दौरान परिसर में बड़ी संख्या में पौधारोपण किया। मुख्य रूप से स्कूली छात्रों को ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने की प्रति जागरूक किया। जिले की डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने कहा कि वनों के संरक्षण हेतु केवल वन विभाग नहीं बल्कि सामूहिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी को समझने की जरूरत है, तभी हम वनों और पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे। वहीं क्षेत्र की विधायक रामदास सोरेन ने भी सभी को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सजग किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण मनुष्य के लिए अति आवश्यक है और इसके लिए बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है और कोरोना काल में यह साबित हो चुका है, जहां हमें अलग से ऑक्सीजन की जरूरत को सिलेंडर के माध्यम से पूरा करना पड़ा था। इस कारण हमें अधिक से अधिक पौधारोपण एवं वनों का संरक्षित करने की आवश्यकता है, तभी हम आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ धरती प्रदान कर सकेंगे। झारखंड टाइम्स से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। जिला परिषद सदस्य श्रीमती जगदानी मुर्मू जी, सर्वे वन महोत्सव की सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि हम जान रहे हैं कि आज यहाँ बुरुडी डैम के पास हमने एक वन महोत्सव का आयोजन किया था, जिसमें स्कूल के बच्चों को आमंत्रित किया गया था। ये एक प्रयास है कि सभी बच्चे और सभी उनके अभिभावक ये समझ सकें कि केवल पेड़ लगाना आवश्यक नहीं है, पेड़ों का संरक्षण एवं संवर्धन भी आवश्यक है। कहीं ना कहीं बच्चों में एक ऐसे लाइफस्टाइल की ज़रूरत है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो और वो स्वस्थ रह सके और इस एनवायरनमेंट में और हेल्दी तरीके से सर्वाइव कर सके। साथ में बुरुडी डैम आने वन प्रबंधन द्वारा मनाया जा रहा है, निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम है कि आज के समय में हमें हर इंसान को स्वच्छ जिंदगी की जरूरत है, स्वच्छ सांस स्वस्थ होने की जरूरत है और जिसके लिए पेड़ की होना अति आवश्यक है। मैंने अपने बचपन में कहा कि आज हमारे देश में जो बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहर में कोरोना काल के समय देखने के लिए मिला, ऑक्सीजन के लोग भटक रहे थे, ऑक्सीजन के लिए लोग आदमी मर रहे थे, लेकिन आज वही आप देखें ग्रामीण अंचलों में जहां जंगल में गांव में लोग रहते हैं वहां कोरोना का प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं था। सिर्फ जो बड़े शहर से जो कोरोना लेकर के आए गांव तक उसी तक सीमित रह गया था। इसलिए आज समय की तकादा कि आज के समय में लोगों की जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इस अनुपात से हमें पेड़ की संख्या भी वृक्ष होना चाहिए जिससे लोगों का स्वस्थ सांस मिले और आज हमारी सरकार ने इस पर काफ़ी गंभीर कि हम कैसे हमारी राज्य के सवा 3 करोड़ जनता को हम स्वस्थ रखेंगे, इसके लिए हमें ब्लू प्रिंट बना चुका है, मैंने कह दिया है और हम यहाँ के लोगों को इस तरह के रोगों से बचाने का हम काम करेंगे। आज इसी का एक ये है जो आज आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जमशेदपुर के डीएफओ मैम ने इस तरह का ये वन महोत्सव आयोजन करके एक जन जागृत भावनाओं यहाँ के लोगों को जोड़ने का काम कर रही हैं कि जो आज हमें पर्यावरण से क्या हमें हानि है, पर्यावरण के लिए हम क्यों हमारा जीवन चले जाता है, पर्यावरण से हमें क्या लाभ है, क्या नुकसान है,
इसके लिए आज सब देख ही रहे हैं, स्कूल के बच्चे लोग, गांव के लोग, बूढ़ा बुजुर्ग, सबको, सभी लोगों को, सभी जनप्रतिनिधि को यहाँ पर आमंत्रित करके एक समारोह के माध्यम से एक संदेश देना चाहती है सरकार। तो सरकार का ही एक छोटा सा एक काम है जो आज इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, और इसी तरह को आने वाले समय में सभी लोग को यहाँ पर इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम हैं, वृक्ष हैं तो हम हैं। जिस दिन वृक्ष खत्म हो जाएगा, पेड़ खत्म हो जाएगा, हम भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए इस पर सभी लोगों को इस पर विशेष ध्यान। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।